1 सितंबर 2019 यानी आज रविवार से देश में कई नियम बदल रहे हैं, जिसका सीधा असर व्यक्ति की जेब पर पड़ेगा। 1 सितंबर से ट्रैफिक, बीमा और टैक्स से जुड़े कई नियम में बदलाव हो रहे हैं। इसके अलावा केवाईसी नहीं होने पर ई वैलेट जैसी सुविधाओं को बंद कर दिया जाएगा। जानिए नियमों के बदलाव के साथ आपकी जेब पर क्या असर पड़ेगा। सितंबर महीने के पहले दिन यानी आज ही से नए नियम लागू हुए हैं। वो सबसे पहला नियम है ट्रैफिक नियम। अब बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने, शराब पीकर गाड़ी चलाने, ओवर स्पीड आदि के नियमों का उल्लंघन करने पर पहले के मुकाबले ज़्यादा जुर्माना देना होगा। नए नियम के तहत शराब पीकर गाड़ी चलाने पर पहले अपराध के लिए 6 महीने की जेल और 10,000 रुपये तक की जुर्माने का प्रावधान है, जबकि दूसरी बार एक गलती करते हैं तो 2 साल तक की जेल और 15,000 रुपये तक का जुर्माना लगेगा। इसके अलावा बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर 500 रुपये की जगह 5,000 रुपये की जुर्माना देना होगा। वहीं अगर कोई नाबालिग गाड़ी चलाता है तो उसे 10,000 रुपये का जुर्माना देना होगा, जो पहले 500 रुपये था। तो सीधे सीधे इसका असर आपके जेब पर पड़ेगा। केवाईसी नहीं होने पर आपका ई वॉलेट बंद हो जाएगा। पेटीएम और फोनपे जैसे मोबाइल ई वॉलेट की अगर केवाईसी नहीं हुई है तो 1 सितंबर से मोबाइल वॉलेट काम करना बंद कर देगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने विभिन्न मोबाइल वॉलेट कंपनियों को नोटिस भेजा था, जिसके तहत केवाईसी पूरा करने के लिए 31 अगस्त तक का वक्त दिया गया था। अब ट्रेन का ऑनलाइन टिकट भी महंगा हो जाएगा। 1 सितंबर से भारतीय रेलवे के इंडियन रेलवे कैटरिंग एवं टूरिज्म कॉरपोरेशन से खरीदे जाने वाले ई टिकट पर सर्विस चार्ज दोबारा से लागू होगा। सर्विस चार्ज के लागू होने से IRCTC से ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुक करना महंगा होगा। ई टिकट बुक करने पर 20 रुपये से 40 रुपये तक की सर्विस चार्ज लगेगा। स्लीपर टिकट पर 20 रुपये का चार्ज देना होगा, जबकि AC क्लास के ई टिकट पर 40 रुपये की सर्विस चार्ज लगेगा। टैक्स चुकाने में छूट मिलेगा। पुराने टैक्स मामले को निपटाने के लिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की नई स्कीम 1 सितंबर से शुरू हो जाएगी। इस स्कीम में बकाया टैक्स चुकाया जा सकेगा। 31 दिसंबर तक चलने वाली इस योजना में टैक्स चुकाने पर कार्रवाई नहीं होगी और ब्याज और जुर्माना में भी छूट मिलेगा। इसके तहत 50 लाख तक के टैक्स पर 70%, 50 लाख से ज़्यादा के टैक्स पर 50% छूट दी जाएगी। IRT फाइल करने पर जुर्माना। 1 सितंबर से आयकर रिटर्न दाखिल करने पर 5,000 रुपये तक जुर्माना भरना पड़ेगा। जिनकी आय 5 लाख से ज़्यादा है उन्हें 5,000 रुपये और जिनकी 5 लाख से कम है उन्हें 1,000 रुपये जुर्माने के तौर पर देने होंगे। रेपो रेट से जोड़े जाएंगे सभी कर्ज। 1 सितंबर से स्टेट बैंक समेत कई बैंक ग्राहकों को होम, ऑटो लोन और रेपो रेट से लिंक करेंगे। इससे ग्राहकों का कम ब्याज देना होगा। सरकारी बैंकों में 59 मिनट में होम, ऑटो और पर्सनल लोन मिल सकेगा। आपदाओं में नुकसान पर मिलेगा वाहन बीमा। जनरल इंश्योरेंस कंपनी अब वाहनों को भूकंप, बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं और दंगे जैसे घटनाओं से होने वाले नुकसान के लिए अलग से बीमा कवर कर उपलब्ध कराएगी। किसान क्रेडिट बनवाना आसान होगा। 1 सितंबर से किसान क्रेडिट कार्ड यानी KCC बनवाना और भी आसान हो जाएगा। 15 दिनों में बैंक को क्रेडिट कार्ड जारी करना होगा। इसके लिए केंद्र सरकार पहले ही बैंकों को दिशा निर्देश जारी कर चुकी है। तो ये 8 ऐसे नियम हैं मोदी सरकार के जो आज से लागू हुआ है, जिसमें कुछ नियम ऐसे हैं जिससे आपको राहत भी मिलेगी और कुछ नियमें ऐसी हैं जिसका असर सीधे आपके जेब पर पड़ेगा। पल पल की जानकारी और लेटेस्ट खबरों के अपडेट के लिए टुडे बिहार न्यूज़ के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।